आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों की टेंशन दूर नहीं हो रही है। किसानों ने 8000 रुपए की कीमत मिलने की उम्मीद में सोयाबीन का स्टॉक कर लिया था। दिवाली के कुछ दिनों बाद भंडारण से किसानों को फायदा भी हुआ था, लेकिन पिछले एक महीने से किसानों का पूर्वानुमान गलत साबित हो रहा है, क्योंकि लातूर कृषि उपज मंडी में पिछले 15 दिनों से सोयाबीन के भाव में 600 रुपए की गिरावट आई है। ऐसे में अब किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भंडारण किए हुए सोयाबीन का क्या किया जाए। किसान पिछले कई दिनों से अधिक दाम की आस में कृषि उपज का स्टॉक कर रहे हैं। दिसंबर की शुरुआत में सोयाबीन की कीमत 6000 रुपए तक पहुंच गई थी। उस दौरान सोयाबीन के आयात की बात चल रही थी, इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर पड़ रहा था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोयाबीन का आयात नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सोयाबीन की कीमतों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इस सप्ताह के पहले दिन सोयाबीन की कीमतों में 200 रुपए की गिरावट आई है, इसलिए किसान अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। सोयाबीन की कीमतें पिछले कुछ दिनों में या तो स्थिर रही है या फिर घट रही है। सोयाबीन की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा प्रक्रिया उद्यमी व्यापारी स्टॉक निर्णय को उलटने के बाद भी सोयाबीन खरीद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस साल पहली बार ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की बुआई बड़े पैमाने पर की गई है, इसलिए व्यापारी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि बाजार में अटकलें हैं कि भविष्य में सोयाबीन की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि घटती दरें और बढ़ती आवक से किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर बन सकता है। सोयाबीन के नियमित सौदे और बीजों के लिए सोयाबीन के सौदे अलग अलग शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।